अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं शाहरुख गोरखपुर बर्ड सोसाइटी से और आप देख रहे हैं मेरा चैनल शाहरुख बर्ड लवर। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया था इमरान भाई और श्याम भाई आए हुए थे और अभी इन लोग का जाने का टाइम आ गया है और इन लोगों ने बिल्कुल ज़बरदस्त यहाँ से ख़रीदारी की है। तो आइए इन लोगों से थोड़ी बातें करते हैं और दिखाते हैं कि इन्होंने क्या क्या परचेज़ किया है। तो इमरान भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। और ये इमरान भाई हैं और ये आपके श्याम भाई, आपने वीडियो में देखा है। नमस्कार श्याम भाई। तो इन लोगों ने देखिए पूरा एकदम ज़बरदस्त तरीके से ख़रीदारी की हुई है और अब आइए आपको दिखाते हैं कि इन लोगों ने क्या क्या ख़रीदारी की है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ऊपर ऑफलाइन के पीस डले हुए हैं। ये तकरीबन 5 पीस इन्होंने लिए हैं, जिसमें से कुछ ऑरेंज हुड हैं लगभग 3-4 पीस और बाकी जो है सब रेड हुड में होंगे। और नीचे इन्होंने जो रिंग में परचेज़ किए हैं वो हैं आपके 3 पीस जो है ब्लू मास्क के हैं और लगभग 5 पीस इसमें मूव मास्क के हैं। और कॉकटेल का कोई ऐसा कोई ख़ास इरादा नहीं था, लेकिन यहाँ पे आने के बाद इन लोगों को कॉकटेल भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आया तो इन लोगों ने कॉकटेल की भी परचेजिंग की। हालांकि जो मेरे फ्रेंड थे उन लोगों के पास ये सेल के लिए नहीं थे, लेकिन अब ये लोग इतने दूर से आए हुए हैं तो इसलिए उन्होंने कहा कि शाहरुख भाई, अब इमरान भाई और श्याम भाई इतनी दूर से आए हैं तो इनको खाली हाथ नहीं भेजेंगे और इनको हम इनका जो है एक जो मतलब होता है ना कि देख के मन कर जाता है तो मन को नहीं मारेंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं माशाल्लाह से 3 अल्बिनो का जो है पीस पड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं 2 पीस पीछे है और 1 पीस यहाँ बीच में बैठा हुआ है। और इसमें 2-3 पीस कॉकटेल के हैं टिक वाले, 4 पीस जैसे कि आप देख सकते हैं 1 पीस यहाँ है और 1 पीस ग्रे है। 1 पीस ये देख सकते हैं बहुत शानदार फीमेल है पर्ल की और ज़बरदस्त है ये भी। अभी सब पट्टे हैं, इंशाल्लाह एडल्ट होने के बाद ये काफ़ी ज़बरदस्त रिज़ल्ट देंगे। और ये सारी देखिए इन लोगों ने परचेजिंग की है। तो इमरान भाई और श्याम भाई दोनों लोग, आप लोग बताइए भाई कि कैसा लगा आप लोगों को यहाँ पे आके और सेटअप विज़िट करके? बहुत बढ़िया लगा भाई, बहुत अच्छे अच्छे सेटअप लगे हुए हैं गोरखपुर में। और मैं यही कहूँगा कि अगर आपके पास टाइम है तो आप ज़रूर आइए और विज़िट करिए, आके दूसरे के यहाँ पे देखिए, उससे इंसान का शौक बढ़ता है और मन में इच्छा होती है कि हाँ हम भी आगे बढ़ें और हम भी इसमें चीज़ रखें, क्या से क्या रखें, म्यूटेशन क्या से क्या रखनी चाहिए और कैसे रखना चाहिए। क्योंकि गोरखपुर में जो है वो बहुत बड़े बड़े ब्रीडर डले हुए हैं, यहाँ पे आपको सबके ब्रीडर मिल जाएंगे। मकाओ भी मिल जाएगा आपको, काकातुआ का ब्रीडर मिल जाएगा और ग्रे के भी सेटअप लगे हुए हैं। तो काफ़ी अच्छा लगा शाहरुख भाई ने अपने दोस्तों के यहाँ सबके यहाँ सेटअप विज़िट कराए, बहुत अच्छा लगा हमें। और बर्ड लवर को और क्या चाहिए? नहीं, बात सही है। श्याम भाई, आप तो बहुत दूर से आए हैं, इमरान भाई से भी दूर आए हैं, लगभग 1000 किलोमीटर दूर से आप मेरे पास आए हैं, तो आपको कैसा लगा? सर भाई, मुझे 1000 किलोमीटर में चल के आया हूँ और इतनी दूर आने के बाद में मुझे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि इतने सारे बर्ड्स देखने के बाद में, और बहुत कुछ गोरखपुर में मैंने बर्ड सोसाइटी के अंदर देखा तो काफ़ी खुशी मिली मुझे। अरे, मेरे लिए भी बहुत खुशी की बात है कि आप लोग वहाँ से 1000 किलोमीटर से चल के मेरे लिए आए। और इमरान भाई ने भी बहुत मेहनत की है, रात भर भाई ड्राइविंग की है अकेला, श्याम भाई सोते हुए आए हैं। तो चलिए, अब ये था कि मैंने सोचा कि आप लोगों को अपडेट दे दूं कि ये लोग अब यहाँ से जा रहे हैं और क्या क्या लेके जा रहे हैं, तो मैंने सोचा एक वीडियो बना दें। अब इंशाल्लाह चलिए किसी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, खुदा हाफिज़।